हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी इन व्यू ऑफ लर्निंग द करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत आज हम क्लास 340 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अराउंड 339 क्लासेस डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किए। आज हम क्लास 340 में नोबेल प्राइज 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आगे आने वाली क्लासों में भी हम जो भी नोबेल प्राइज प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में, अवार्ड किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास है ये नोबेल प्राइज़ की, जिसमें कि हम फिजिक्स फिजिक्स में जो आपके नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं तीन वैज्ञानिकों को, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नए वीडियो आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, हम बात करें हम नोबेल प्राइज 2022 के बारे में। तो नोबेल प्राइज 2022 जो आपके दिए गए हैं वो तीन वैज्ञानिकों को यहाँ पे नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जिनके नाम है आपके, पहला एलन एस्पेक्ट। जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो आपके रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एलन एस्पेक्ट को दिया गया है जो कि फ्रांस से हैं। वहीं जॉन एफ क्लोजर जो कि अमेरिका के रिसर्चर और प्रोफेसर हैं, उनको और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज 2022 प्रोवाइड किया गया है। वहीं हम नोबेल प्राइज की बात करें किस फील्ड में यहाँ पे इनको दिए गए हैं, किस फील्ड में रिसर्च के लिए, तो इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए, क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए जो है यहाँ पे इन तीनों वैज्ञानिकों को जो नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है। इनको हम याद रखने के लिए देखें तो फिजिक्स के जो हमको नोबेल प्राइज याद रखने, वो आपको यहाँ पे आप डबल ए जे याद रखिए, फिजिक्स से डबल ए जे, A4 एंटोन, A4 आपका एंटोन जिलिंगर, A4 एलन एस्पेक्ट और J4 जॉन एफ क्लोजर। जॉन एफ क्लोजर यूएस के हैं, एलन एस्पेक्ट आपके फ्रांस के हैं और एंटोन जिलिंगर जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 के जो आपके नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो किन तीन वैज्ञानिकों को दिए गए। तो 2022 के फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो तो आपके तीन वैज्ञानिकों को यहाँ पे दिया गया है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, दूसरा आपका एंटोन जिलिंगर को दिया गया है और जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है। जॉन एफ क्लोजर अमेरिका के हैं, एंटोन एंटोन जिलिंगर जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं और एलन एस्पेक्ट जो है वो आपके फ्रांस के हैं। तो ये तीनों याद रखने, और ये भी हम इनका फील्ड भी याद रखना है किस फील्ड में रिसर्च के लिए इनको दिया गया है। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन और यहाँ पे क्वांटम इंफॉर्मेशन और आपके क्वांटम इंफॉर्मेशन और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए जो है भौतिकी का या फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया है। ये ट्रिक भी याद रखिए डबल एजे, इससे आप तीनों नाम याद रख सकते हैं फिजिक्स के। तो ये ऑल ओवर था इस करेंट इवेंट न्यूज के बारे में, जिसमें कि हमने नोबेल प्राइज डिस्कस किया। आगे आने वाली क्लास 341 में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में जो आपको नोबेल प्राइज दिया गया है स्वांत आपावो को, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल ओवर था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।